छात्र संघ चुनाव, ये हर स्टूडेंट का हक है, उनका संवैधानिक अधिकार। लेकिन अपने शहर में ये चुनाव बन गए हैं एक विकार, आम शहरी के लिए डर, परेशानियों और अशांति का कारण। कॉलेज परिसरों से लेकर सड़कों तक हिंसा, हंगामे और अराजकता का रीजन। ऐसे में आईनेक्स्ट ने एक सर्वे के माध्यम से आम छात्र छात्राओं का मन टटोला। हमने उनसे पूछे 5 सवाल, शहर के टॉप कॉलेजों के स्टूडेंट्स से छात्र संघ चुनावों के बारे में उनके ओपिनियन जाने। हमने पूछा कि कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव क्या होने चाहिए। इस पर 65% ने कहा नहीं। फिर हमने पूछा क्या छात्र राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी और स्थानीय नेताओं का दखल उचित है। इस पर भी 90% ने कहा कि बिल्कुल नहीं। हमने ये भी पूछा कि क्या कॉलेज में पॉलिटिक्स से पढ़ाई का माहौल बिगड़ता है। इस पर भी 50% की राय थी कि हाँ बिगड़ता है। हमारा एक सवाल यह भी था कि स्टूडेंट लीडर्स छात्र हितों का कितना ख्याल रखते हैं। इस पर भी 70% ने कहा कि चुनाव के बाद वह जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। हमारा 5वां सवाल था कि क्या लिंगो कमेटी की सिफारिशों से छात्र संघ चुनावों में गुंडागर्दी रुकेगी। इस पर 80% ने कहा कि हाँ, अगर लिंगो कमेटी की सिफारिशों को कॉलेज प्रशासन सख्ती से लागू करें तो निश्चय ही ऐसा हो सकेगा। मेरे ख्याल से इस कॉलेज में, किसी भी कॉलेज में चुनाव वगैरह नहीं होना चाहिए और लड़कियों का आना भी थोड़ा दिक्कत होता है। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक इलेक्शन नहीं होना चाहिए, कॉज पढ़ाई में बहुत डिस्टर्बेंस होता है एंड क्लासेस वगैरह नहीं लगता है एंड उससे गुंडागर्दी काफ़ी होती है। आजकल लड़कों का पैसा स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, पर क्लास में तो कोई आना नहीं चाहता और पॉलिटिक्स सब लेना चाहते हैं। टीचर भी पढ़े आते हैं परंतु यहाँ पर लड़के नहीं आने के कारण हमारी पढ़ाई सही से चल नहीं पाती, क्योंकि ना कोई डिस्कशन हो पाता है और ना कुछ। ये सिर्फ चुनाव ही छात्र को गुंडागर्दी के लिए गुंडागर्दी में ले जाते हैं। ये तो थी स्टूडेंट के मन की बात, लेकिन छात्र संघ चुनावों का स्वरूप कालांतर में ऐसा बदला कि ये शहर में पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं।